दोस्तों, मानव जीवन में सम्मान का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर इंसान चाहता है कि समाज में उसका मान व सम्मान हो और लोग उसकी इज्जत करें। दोस्तों, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान दौलत और पैसे के दम पर कभी भी हासिल नहीं की जा सकती, और सम्मान एक बहुत ही नाजुक चीज होती है जो कि इंसान की सिर्फ एक छोटी सी गलती से भी खत्म हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि सम्मान कमाने से ज्यादा मुश्किल इसको बरकरार रखना होता है। और इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनकी रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रतन टाटा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन और भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा जी का। दोस्तों, ये बात तो भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं बल्कि एक बहुत नेक दिल इंसान है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने से पहले अपने देश और अपने देश के लोगों को जगह दी है। रतन टाटा जैसे मुसीबत के समय भारत के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और अब तक रतन टाटा करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों के मालिक हैं। उनका इस तरह लोगों की मदद करना ये दर्शाता है कि वह कितने अच्छे इंसान हैं, और यही वजह है कि उन्हें पूरी दुनिया इतना सम्मान देती है। नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। दोस्तों, कलाम जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, और ये बात हर भारतीय जानता है कि कलाम जी सिर्फ हमारे राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक भी रहे, और हमारे देश को मिसाइलें देने का श्रेय भी कलाम जी को ही जाता है, तभी उन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। कलाम जी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी ना तो कभी दिखावा किया और ना ही अपने आप पर कभी घमंड किया। और उनकी सादगी की अगर बात करें तो आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। कलाम जी को भारत और भारत के लोगों से बहुत प्यार था, और वो हमेशा भारत की तरक्की के लिए काम किया करते थे। नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि मोदी जी हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें इतने खास इसलिए माना जाता है क्योंकि एक समय पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे चाय बेचकर अपना गुजारा करते थे, और एक मामूली चाय बेचने वाले इंसान से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका ये सफर बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। और क्योंकि मोदी जी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए वो गरीबों की परेशानी को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मोदी जी देश की तरक्की के लिए हर रोज 18-18 घंटे काम करते हैं, और यही सब चीजें उनको दुनिया के सबसे सम्मानजनक लोगों में से एक बनाती है। नंबर 4, धीरूभाई अंबानी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर अपनी जगह बनाने वाले भारत के सबसे महान बिजनेस टाइकून में से एक धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। वैसे ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि धीरूभाई अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर आदमी कहलाए जाने वाले मुकेश अंबानी जी के पिता हैं। मुकेश अंबानी जी आज जिस बिजनेस के दम पर भारत के सबसे अमीर आदमी बने हैं, उस बिजनेस की नींव धीरूभाई अंबानी जी ने रखी थी। धीरूभाई अंबानी जी अपने से जुड़े लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, और वो इतनी सादगी भरा जीवन जीते थे कि आम लोगों को उनके साथ एक अपनापन महसूस होता था, और यही वजह है कि आज भी लोग उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से 6 जुलाई 2002 के दिन 69 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट में आखिरी स्थान पर शुमार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और एक महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कैप्टन और एक महान क्रिकेटर रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी हैं, क्योंकि मैच के दौरान वे अपने मन को बहुत शांत रखते हैं
और दूसरे किसी खिलाड़ियों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ही वो अपने फैंस की अहमियत भी बहुत अच्छे से समझते हैं और कभी भी उनको मायूस नहीं करते, और यही सब चीजें उनको भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे सम्मानजनक लोग। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही वीडियो पे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।